लीजिए दोस्तों, इस समय प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश से राजस्थान के मध्य बहुत ही शानदार रोचक मुकाबला आपको अभी देखने को मिलेगा। इस समय टीम परिचय उत्तर प्रदेश के साथ जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में मैं डिप्टी मेयर टीम राजस्थान से आशीर्वाद कॉर्पोरेटर सोदर सोदरी मंडल माजी मंत्री वर्यु मेडचल नियोजकवर्गम शासन सभा मुकाबले का टॉस हो चुका है। टॉस जीता यहां पर उत्तर प्रदेश ने। चॉइस किया कौन पहली रेडी यहां पर राजस्थान की तरफ देखने को मिलेगी। डिप्टी मेयर गारु कार समय राजस्थान की क्रीडा की बात करें तो मोनू महेंद्र रवि अंतर्जातीय कबड्डी क्रीडाकारु और रोहित सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस सोहन जी मरी परिचयकर्ता। ये लीजिए दोस्तों, इस समय ऑफिशियल रेफरी की विशल के साथ मुकाबला शुरू होता है। पहली रेड यहाँ पर राजस्थान की तरफ से युवा प्लेयर रोहित यादव इस समय शॉट के डिफेंस में डिफेंस को जांचा फिरका और देखते हैं इसे रेड को किस तरह अंजाम देते हैं। यहाँ पर सेल्फ आउट होते होते बचे बिल्कुल लगभग लाइन क्रॉस हो गई लेकिन लाइन 100% क्रॉस होनी चाहिए तभी रेड क्रॉस होता है। बिल्कुल यहाँ पर सेल रेड रही प्रधान कार्यदर्शी और अब माजी अंतर्जातीय कबड्डी क्रीडाकारु तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन कार्यदर्शी जगदीश्वर यादव गारिकी स्वागतम मंजीत को बाहर जाना होगा। यहाँ पर अकाउंट ओपन हुआ इसमें टीम उत्तर प्रदेश का रेड से 1 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश और अब साहिल शर्मा खाली चेयली गेस्ट की मैच कंपियालंटे मी अंदर सहकरिंचाली प्लीज। इंडिया की जूनियर टीम भी इन्हीं प्लेयरों में से बननी है। अभी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं। यहाँ पर चयन करता हूँ की नजरें बनी हुई है। शानदार टेकल यहाँ पर दबकी लगाना चाहा यहाँ पर साहिल ने लेकिन अच्छा डिफेंस यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ से रेड आउट 1 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश 2 उत्तर प्रदेश और अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है टीम राजस्थान। स्टेज पे निलबड्ड वाले बिल्कुल मंजीत के बारे में साहिल को भी बाहर जाना पड़ा और अब एक बार पुनः इस समय जर्सी नंबर 1 उत्तर प्रदेश का इस समय रेड पर अच्छा प्रयास यहाँ पर लेकिन करण ने अपने आप को यहाँ पर बचाया। मैं जगदीश्वर यादव जी से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर पधारिए। उत्तर प्रदेश का रेड लेकिन यहाँ पर लोकेश गोसलिया शानदार डिफेंस यहाँ पर लोकेश गोसलिया का एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में डिफेंस से पहला अंक यहाँ पर राजस्थान को मिलता हुआ अकाउंट ओपन हुआ। इसमें राजस्थान का 1 राजस्थान 2 इस समय उत्तर प्रदेश और अब रोहित यादव डिफेंस में रेड पर और इस बोनस इस समय रोहित के लिए अवेलेबल होगा। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के समय बोनस का प्रयास देखना होगा। ऑफिशियल को प्रभावित किया है नहीं क्योंकि बोनस का शाप नियम है केपी विवेकानंद गौड़गार हमें पाया जाना चाहिए और बिल्कुल पाया गया है। बोनस अंक मिलता हुआ समय टीम राजस्थान को 2 राजस्थान और 2 ही समय टीम उत्तर प्रदेश। एक बार पुनः इसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से रहा अवेलेबल होगा। कॉर्नर में इस समय करण जो की हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं यहाँ पर चूक हुई है डिफेंस में बिल्कुल यहाँ पर मंजीत को एक बार फिर से बाहर बैठना पड़ेगा। रेड से 1 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश 3 इस समय टीम उत्तर प्रदेश 2 इस समय राजस्थान। एक बार पुनः समय रोहित यादव 7 के डिफेंस में रेड पर सेलेक्ट करता है यहां पर अनुप कुमार और उनके साथ और साथ ही यहां पर लगे हुए लगातार अपनी नजर गड़ाए हुए। यहां पर एक अंक और यहां पर मिलता हुआ टीम राजस्थान अच्छी रेड यहां पर रोहित यादव की 3 राजस्थान और 3 ही समय टीम उत्तर प्रदेश। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की टीम में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन सा नजर आ रहा है कमेंट करके जरूर बता दीजिए। इस समय उत्तर प्रदेश का रेड 6 का डिफेंस है यहां पर बोनस का प्रयास किया है। शासन सभ्यु शासन मंडली सभ्यु वार की जय जय यहाँ पर बोनस मिलेगा।
अच्छी लड़ी आप उत्तर प्रदेश की तरफ से चार उत्तर प्रदेश तीन इस समय राजस्थान एक बार पुनः इस समय रोहित यादव बोनस इस समय रोहित के लिए अवेलेबल होगा इस बार अच्छी रेड बिल्कुल यहाँ पर रेड से टू पॉइंट टीम राजस्थान बिल्कुल यहाँ पर अच्छी रेड उत्तर प्रदेश की तरफ से दो अंक मिले यहाँ पर राजस्थान को पांच राजस्थान चार इस समय उत्तर प्रदेश एक पॉइंट की लीड यहाँ पर राजस्थान के पास मरियो राजेंद्र प्रसाद कासानी राजेंद्र प्रसाद मुदराज गारू जर्सी नंबर 05 इस समय रेड पर आत्मीय अतिथि को सम्मान में मौजूद है रेडर के लिए बोनस भी अवेलेबल कॉर्नर में करण काफी शानदार डिफेंड रहे हैं लेकिन यहां पर लोकेश गोसलिया ने शानदार कमाल किया यहां पर शानदार डबल था आउट देखने को मिला इस समय लोकेश गोसलिया का रेड आउट 1 पॉइंट टीम राजस्थान तो बिल्कुल इस समय स्कोर की बात करें तो 6 राजस्थान 4 इस समय उत्तर प्रदेश और अब 3 के डिफेंस में सुपर डेकल इस समय ऑन है साहिल शर्मा इस समय 3 के डिफेंस में रेड पर यहाँ पर साहिल शर्मा सेल्फ आउट हो चुके हैं बाहर जाना पड़ेगा दो अंक मिलेगा यहाँ पर सुपर डेकल के रूप में टीम उत्तर प्रदेश सुपर डेकल टू पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश 6 उत्तर प्रदेश और 6 इस समय टीम राजस्थान एक बार पुनः उत्तर प्रदेश का रेडर 6 के डिफेंस में रेडर पर तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन प्रधान कार्यदर्शी माजी अंतरजातीय कबड्डी क्रीडाकारिणी अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया रेंडो पर्यायालु यहाँ पर करण अच्छा काम किया यहाँ पर करण और रवि की जोड़ी ने बहुत ही खूबसूरत निकल यहाँ पर किया एक और अंक यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में 7 इस समय राजस्थान और उसके जवाब में 6 इस समय उत्तर प्रदेश एक बार पुनः इस समय रोहित यादव तीन के डिफेंस में सुपर डेकल इस समय ऑन है माननीय श्री चामकूर मल्लारेड्डी गारी तनयुलु वारी की सम्मान जरूरता उन्नदी और बिल्कुल अब तक के मुकाबले में रोहित ने अच्छा स्कोर किया अपनी टीम के लिए एक बार फिर से इस समय सुपर डेकल सिचुएशन में रेड पर यहाँ पर अपना संतुलन पाया భద్రారెడ్డి గారికి జై జైలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము రోహిత్ యాదవ్ పేద ప్రజల జీవితాల్లో సాహిల్ శర్మ తీన్ ఎక్ మర్తబా యహాన్ పర్ సాహిల్ శర్మ सेल्फ आउट हो चुके हैं के रूप में दो अंक मिले थे इस समय साहिल शर्मा काफी शानदार रन रहे राजस्थान की तरफ से स्वागतम सुस्वागतम తెలియజేస్తా ఉన్నా काफी डीप गए हैं लेकिन सेफ रेड के साथ वापस लौटना पड़ेगा इस समय साहिल को और अब उत्तर प्रदेश का रन 7 के बीच में वॉक लाइन को पार किया रेड बेलेट की और शायद यहाँ पर सेफ रेड के मुंड में क्योंकि यहाँ पर एक सुपर डेकल और लेना चाहती है टीम उत्तर प्रदेश इस समय डिसाइड रेड है इनका डिफेंस कोर्ट में मौजूद सुपर डेकल इस समय रोहित यादव इस समय काफी अंदर तक है यहाँ पर यजमानी ओनर माननीय श्री प्रवीण रेड्डी गारी की हासिल नहीं हुआ यहाँ पर बाहर रेड से 1 पॉइंट टीम यहाँ पर 2 का दावा किया है लेकिन एक ही अंक मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल एक ही अंक मिलेगा यहाँ पर ग्रीन कार्ड भी यहाँ पर प्रवीण रेड्डी गारू तो 8 राजस्थान 6 इस समय टीम उत्तर प्रदेश अच्छी रेड यहाँ पर रोहित यादव की सुपर टेकल सिचुएशन में डू एंड डायरेक्ट भी अंक निकाला अपनी टीम के लिए और अब उत्तर प्रदेश का रेड 7 के डिफेंस में तेलुगु टाइटंस थर्ड रेड है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ से भी 7 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद बोनस भी अवेलेबल रेड के लिए और यहाँ पर सेफ रेड होगी यहाँ पर डिसाइड रेड थी बिल्कुल यहाँ पर बाहर बैठना पड़ेगा इस समय रेड को बिना किसी अंक के वापस लौटे डिसाइड रेड में बाहर जाना होगा इस समय रेडर को यहाँ पर पहली प्रिंट ने लगभग कन्फर्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश को 9 राजस्थान 6 उत्तर प्रदेश और बिल्कुल यहाँ पर 1+2 3 पॉइंट टीम राजस्थान 12 के मुकाबले 6 इस समय उत्तर प्रदेश 6 पॉइंटों के लिए शुरुआत हुई इस समय टीम राजस्थान की पास अच्छी शुरुआत यहाँ पर राजस्थान की शुरुआती 8-9 मिनट में यहाँ पर पहली प्लेंटी मिल चुकी है इस समय राजस्थान को उत्तर प्रदेश बिल्कुल यहाँ पर एक मानसिक दबाव होगा उत्तर प्रदेश पर यहाँ पर अंक मिलेगा बिल्कुल साहिल शर्मा को बाहर जाना होगा वीरेश मुदिराज गारी अमृता अस्ताल बिल्कुल यहाँ पर रेड से 1 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश एक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में 7 उत्तर प्रदेश 12 इस समय राजस्थान और अब रवि 7 के डिफेंस में रेड पर और अब बिल्कुल धीरे धीरे लाइटें भी जगने लगी है बहुत ही शानदार यहाँ की व्यवस्थाएं लाजवाब व्यवस्थाएं
49वीं जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता इस समय खेली जा रही है हैदराबाद तेलंगाना में। और वाकई में व्यवस्थाओं के बारे में कहें तो बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। ये देखिए जैसे दिन उगाया हो। बिल्कुल यहाँ पर रवि की सेफ रेड रही और एक बार पुनः इस समय उत्तर प्रदेश का रेडर 6 के डिफेंस में इस समय रेड पर बोनस इस समय अवेलेबल है लेफ्ट कॉर्नर से। इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ से 05 नंबर जर्सी रेड पर माचामोनी सुदर्शन मुदिराज गारू यहाँ पर अंक मिल जाएगा राजस्थान को। अच्छा डिफेंस यहाँ पर करण का और उतना ही शानदार सपोर्ट यहाँ पर मनजीत ने सुदर्शन मुदिराज एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में 13 राजस्थान 7 इस समय उत्तर प्रदेश 6 पॉइंट के लिए। एक बार पुनः इस समय रोहित यादव 6 के डिफेंस में रेड पर केशवलु मुदिराज रोहित यादव के लिए इस समय बोनस अवेलेबल है क्योंकि कोर्ट में 6 का डिफेंस इस समय मौजूद है। वेंकटेश मुदिराज गारी जब कोर्ट में 6 या 7 डिफेंडर मौजूद है तो यहाँ पर बोनस अंक मिल सकता है इस समय। लेकिन उस बोनस अंक के लिए सुदर्शन तो पिछली लाइन होती है उसको पार करना होता है और साथ में ही पिछला फेर भी हवा में होना शायद यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर राजस्थान का अकाउंट में 14 राजस्थान 7 उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर 7 अंक की लीड हो चुकी है राजस्थान के पास। एक बार फिर से इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ से जिस नंबर 1 रेड पर यहाँ पर मनजीत सिंगल थाई होल्ड के लिए गए लेकिन छिटके यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर मिलता हुआ एक अंक और यहां पर राजस्थान के अकाउंट में सॉरी उत्तर प्रदेश के अकाउंट में 8 उत्तर प्रदेश 14 इस समय टीम राजस्थान 6 पॉइंटों की लीड यहां पर राजस्थान के पास। साहिल शर्मा एक बार पुनः इस समय 7 के डिफेंस में रेड पर अभी तक साहिल शर्मा को अंक नहीं मिला है लेकिन इस बार मिलेगा। बिल्कुल शानदार रनिंग की यहाँ पर रेडर सेफ 1 पॉइंट टीम राजस्थान एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में तो 15 राजस्थान 8 इस समय टीम उत्तर प्रदेश 7 पॉइंटों की लीड एक बार पुनः इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ से जर्सी नंबर 01 रंगराय प्रसाद गारू निजामपेट म्युनिसिपल यहां पर गलती हुई है। बिल्कुल रोहित यादव को बाहर जाना होगा यहां पर पार्टी अध्यक्ष लो वर्गी कासानी सुधाकर मुदिराज गारी अमृतास्थल मिदगा यह समय साहिल शर्मा साथ कर कासानी मुदिराज गारी అమృతస్థల మీద సుధాకర్ ముదిరాజ్ గారు కార్పొరేటర్ వారి అమృతస్థల మీదుగా సన్మానం జరుగుతోంది। यहां पर साहिल शर्मा को बाहर जाना होगा। शानदार डबल थाई होल्ड यहां पर उत्तर प्रदेश के डिफेंडर द्वारा रेडर आउट 1 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश तो 10 उत्तर प्रदेश 15 इस समय राजस्थान 5 पॉइंटों की लीड इस समय राजस्थान के पास। एक बार पुनः इस समय उत्तर प्रदेश का रेडर 5 के डिफेंस में रेड पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सी फाउंडेशन डिफेंस कॉर्नर में इस समय मंजीत और उसका साथ दे रहे हैं करण तो दूसरे छोर पर इस समय मोनू और उसका साथ लोकेश गौसालिया बीच में इस समय रवि लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश की तरफ से सेफ रेड होगी। सीनियर भारत बीआरएस पार्टी नायक माननीय श्री बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दो रेडर बाहर बैठे हैं इपड़ सम्मान उंटुंदी रवि को यहां पर शूजवोज के साथ खेलना होगा। कारपोरेटर कासानी सुधाकर मुदिराज गारी अमृतास्थल यादव भी बाहर हैं और साहिल शर्मा भी बाहर हैं गारी की सम्मान उंटुंदी रवि भी काफी अच्छे रेडर हैं पार्टी नायकुलु सीनियर नायकुलु आह्वान कमिटी तरफ ना। बिल्कुल यहाँ पर रवि सेफ रेड के साथ वापस अपने कोर्ट में मेयर गारी उत्तर प्रदेश का रेडर 5 अंकों की लीड यहाँ पर राजस्थान के पास इस समय है। स्कोर की बात करें तो 15 राजस्थान 10 इस समय उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का रेडर 5 के डिफेंस में बड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है दोनों टीमों के बीच। सुधाकर गारी अमृतास्थल मीदगा मरियु साई राजेंद्र प्रसाद मुदिराज गारू वहां से रेडर के लिए निकलना काफी मुश्किल था। इस समय रोहित कॉटिन हो चुके हैं और रेड पर इस समय 6 के डिफेंस में 16 इस समय राजस्थान और उसके जवाब में 10 है टीम उत्तर प्रदेश 6 पॉइंटों के लिए इस समय राजस्थान के पास है। पहले हाफ का लगभग 10 मिनट से ऊपर का समय बीत चुका है। इस समय रोहित यादव 6 के डिफेंस में लगातार प्रयास करते हुए लेफ्ट कॉर्नर से इस समय अटैक किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सेफ रेड होगी इस समय रोहित यादव के धन्यवाद सर गोपाल रेड्डी गारु तमाम समय यहां पर सेफ रेड रोहित यादव की और समय फर्स्ट टाइम आउट टीम गोपाल रेड्डी गारु की धन्यवाद। टीम कोच राजेंद्र जी अपनी टीम को इस समय कुछ हिदायतें देते हुए किस प्रकार इस खेल को आगे बढ़ाना है और बिल्कुल सही रणनीति एक हाफ में दो टाइम आउट मिलते हैं और उनका यूज करना बहुत जरूरी मरियो दर्शक यहाँ पर मौजूद है राजस्थान यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इस समय बनी हुई है ఎక్కడున్నా దయచేసి వేదిక పైకి రావాలి గోపాలన్న గారు
एक बार फिर से इस समय मुकाबला शुरू हो चुका है और इस समय उत्तर प्रदेश का राइडर सेकंड बेंच में इस समय राइडर बिल्कुल यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर क्योंकि राजस्थान की तरफ से दो सेपरेट डाली जा चुकी हैं शायद यहाँ पर सुरेश रेड्डी गारू थर्ड है यहाँ पर राजस्थान की तरफ से शायद इस समय रवि छह के बेंच में मान्य श्री कॉर्पोरेटर सुरेश रेड्डी गारू इस समय रवि लगातार प्रयास करते हुए लेकिन यहाँ पर सेफ रेड के साथ लौटेंगे रवि सुरेश रेड्डी जी का सम्मान हो रहा है सेफ रेड रही टीम राजस्थान की तरफ से फर्स्ट कॉल मेरे ख्याल से चंडीगढ़ वर्सेस आई रिक्वेस्ट टीम मैनेजर टू कांटेक्ट रेमी कासानी वीरेश मुदिराज गारू सुधाकर कासानी तो अगली तो कंफर्म है यहां पर सुधाकर मुदिराज गारू कॉर्पोरेटर बिल्कुल यहां पर डिसाइड राइडर होगी और रोहित यादव ने जिम्मेदारी ली यहां पर डिसाइड राइडर राजस्थान की तरफ से छह गाड़ी में स्क्वाड में मौजूद बोनस भी अवेलेबल 30 सेकंड के अंदर यहां पर रोहित यादव को टच पॉइंट या फिर बोनस पॉइंट अर्जित करना होगा रेड्डी गारी की सम्मानम जरूरत होना मन आह्वान कमेटी तरफन कासानी कुटुंब सभ्युंदर तरफन बिल्कुल यहाँ पर बाहर जाना होगा शानदार बेकहोल्ड यहाँ पर लाजवाब बेकहोल्ड यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ से रेड आउट वन पॉइंट उत्तर प्रदेश 11 उत्तर प्रदेश 16 इस समय राजस्थान 5 पॉइंट की लीड इस समय टीम राजस्थान के पास इस समय डिसाइड राइड है टीम उत्तर प्रदेश की तरफ से भी 5 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद अंग्रेजी वर्णमाला के साथ सी फाउंडेशन डिफेंस सम्मान जरूरतोन्नदी मन आह्वान कमिटी 49वा जूनियर जातीय कबड्डी पोटीलु बालुरु बालिकलु स्वर्गीय रेड डालते हुए उत्तर प्रदेश का कौशल्या मुदिराज गारी नापकार लेकिन राजस्थान का डिफेंस काफी मजबूत है ऐसे टूटने वाला डिफेंस नहीं है लोकेश गौसलिया का एक और शानदार टिकल हमारे रेड राउंड वन पॉइंट टीम राजस्थान 17 राजस्थान 11 इस समय उत्तर प्रदेश 6 पॉइंटों के लीड इस समय राजस्थान के पास इस समय रवि बोनस रवि के लिए अवेलेबल काउंसलर रवि के पास और काफी शानदार फुटवर्क भी रवि का यहाँ पर सेफ रेड होगी रवि की इस समय उत्तर प्रदेश का राइडर 6 के डिविंस में राइडर पर बोनस इस समय राइडर के लिए अवेलेबल होगा क्योंकि कोर्ट में 6 का डिफेंस मौजूद है इस समय शानदार एंकल हॉट यहाँ पर करने का बोनस जैसे ही करने का प्रयास किया शानदार एंकल हॉट यहाँ पर देखने को मिला करने द्वारा और उतना शानदार यहाँ पर सपोर्ट भी दिया डिफेंडर ने एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में तो 18 राजस्थान 11 उत्तर प्रदेश एक बार पुनः इस समय साहिल शर्मा 5 के डिफेंस में रेड पर फर्स्ट कॉल फॉर गर्ल्स सेक्शन मैच गुजरात वर्सेस पांडिचेरी यूपी वर्सेस हिमाचल प्रदेश आई रिक्वेस्ट द टीम मैनेजर टू काइंडली गेट द टीम रेडी फर्स्ट कॉल यहां पर साहिल की सेफ रेड होगी गर्ल्स सेक्शन मैच गुजरात वर्सेस पांडिचेरी यूपी वर्सेस हिमाचल प्रदेश वन सेकंड रिक्वेस्ट मैनेजर तो सेफ रेड रही राजस्थान की तरफ से और अब जर्सी नंबर 8 उत्तर प्रदेश का रेडर वो ओकलैंड पार करेंगे और वापस अपने कोर्ट में जाएंगे क्योंकि इस समय डिसाइड रेड आने वाली है राजस्थान की तरफ से 5 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है बोनस इस समय अवेलेबल है नहीं अर्जित करना होगा अमृता स्थल काफी अच्छा खेल रहा है रवि यहाँ पर काफी डीप गए हैं लेकिन बोर्रा श्रीदेवी गारू कॉर्पोरेटर लगभग समय बीत चुका है ज्यादा समय बीत चुका है यहाँ पर शानदार थाई हॉट बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर टीम उत्तर प्रदेश को रेड आउट राजेश्वरी गारू उत्तर प्रदेश एक अंक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में 12 उत्तर प्रदेश 18 राजस्थान सम्मान जरूरतोन्नति एक बार फिर से समय जर्सी नंबर 1 उत्तर प्रदेश का रेडर राजेश्वरी माधवी गार्ला बोनस रेडर के लिए अवेलेबल लेकिन कॉर्नर में भाई इस समय लोकेश गौसलिया हैं उनसे भी बचना होगा उनके नाक से नाक के तले से बोनस निकालना टेडी खीर के बराबर है बीआरएस नायक रालू सोदरी मड़ी सबीता गारु दयचेसी यहां पर सेपरेट होगी टीम उत्तर प्रदेश की तरफ से और अब रोहित रोहित यादव को कुछ निर्देश दिए हैं काफी अनुभव है लोकेश के पास शिरीषा गारू श्वेता गारू राजेश्वरी गारू यहाँ पर अच्छा डिफेंस बहुत ही खूबसूरत डिफेंस यहाँ पर शानदार डबल एडवांस भी बहुत था लेकिन अच्छी पकड़ थी यहाँ पर
एक अंक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में, 13 उत्तर प्रदेश, 18 इस समय राजस्थान, 5 पॉइंट की लीड यहाँ पर टीम राजस्थान के पास इस समय, फर्स्ट हाफ सेकंड टाइम आउट टीम उत्तर प्रदेश। स्वागत हो सुस्वागत हो कासानी कुटुंब सभ्युंदर तरफ आह्वान कमेटी तरफ ज्ञानेश्वर मुदिराज गारु इस समय डिसाइडेड है उत्तर प्रदेश की तरफ से, 5 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद है, बोनस अवेलेबल है नहीं, यहाँ पर रेडर को टच पॉइंट अर्जित करना होगा। एक कॉर्नर में यहाँ पर मंजीत अच्छा काम किया यहाँ पर, एक बार फिर से इस समय डिफेंस, एक अंक और यहाँ पर है मिलता है टीम राजस्थान को, रेडर आउट स्वागत राजस्थान 19 राजस्थान 13 इस समय टीम उत्तर प्रदेश, 6 पॉइंट की लीड, रवि इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर। बोनस का प्रयास किया है, देखना होगा ऑफिशियल को प्रभावित किया या नहीं, बिल्कुल यहां पर सेफ रेड होगी। और अब उत्तर प्रदेश का रेडर 6 के डिफेंस में रेड पर, जर्सी नंबर 1 रेड पर इस समय, बिल्कुल जूनियर इंडिया की टीम भी इन्हीं युवा सितारों में से बनी है। अनंत स्वामी गारू माजी सरपंच, कौन सा प्लेयर यहां से अपना भागे दुंदिगल मुनसिपालिटी दयचेसि मा वेदिककु ముందుకు రావాలి, देश के लिए खेलना एक बड़ी बात होती है। और बिल्कुल यहां पर रवि इस समय रेड पर, इस समय शायद पहला हाफ का समय, सॉरी टाइम आउट इस समय, प्रताप रेड्डी गारी मा चक्कटि कार्यक्रमानिकि विच्चेसि चयन करता इस समय अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कासानी सुधाकर मुदिराज गारु कार्पोरेटर हैं, अनूप कुमार कासानी वीरेश मुदिराज गारु उपाध्यक्ष अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, कासानी साहिल शर्मा राजेंद्र प्रसाद गारु मुदिराज गारु केशवलु गारु केशवलु मुदिराज शानदार एक रहोट यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ से, रेड आउट शुभ संदर्भ वारिकी उत्तर प्रदेश, एक अंक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में, 14 उत्तर प्रदेश 19 इस समय राजस्थान। और इस समय वक्त हो चला है हाफ टाइम का, हाफ टाइम कोर्ट चेंज, 5 अंकों की लीड पहले हाफ में रही इस समय टीम राजस्थान के पास, राजस्थान के पास अच्छी लीड है, फिर भी राजस्थान की वुमेन टीम इस समय सपोर्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी, निराश मुद्रा में यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं टीम कोच के साथ। अनंत स्वामी गारु माजी सरपंच ये लीजिए दोस्तों, हाफ टाइम के बाद मुकाबला एक बार पुनः शुरू हो चुका है, और इस उत्तर प्रदेश का रेडर राजस्थान के खेमे में, 5 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद है, 5 अंकों की लीड यहां पर राजस्थान के पास है, सेकंड हाफ का खेल इस समय शुरू हो चुका है। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नया मुकाबला अपलोड कर दे आप तक नोटिफिकेशन करें। इस समय अच्छा प्रयास कॉर्नर को यहाँ पर लपेटने का दावा होगा, बिल्कुल यहाँ पर रेडर को बाहर जाना होगा यहाँ पर माधवी गारु, बिल्कुल एक अंक और यहाँ पर मिलता हुआ इस समय टीम राजस्थान, बीआरएस पार्टी सीनियर नायकुरालु गारु की सम्मान राजस्थान और 14 इस समय टीम उत्तर प्रदेश, 6 पॉइंट की लीड इस समय राजस्थान के पास। और अब रवि 6 के डिफेंस में रेड पर, कल्पना गारु बीआरएस सीनियर नायकुरालु सोदरी मणि कल्पना गारु प्रयास, लेकिन सेफ रेड रही इस समय राजस्थान की तरफ से। और अभी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की तरफ से जर्सी नंबर 05 रेड पर, 6 अंकों की लीड यहां पर राजस्थान के पास है, 6 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद, बोनस भी रेडर के लिए अवेलेबल। कल्पना गारी की सम्मान जरूरता होने दी शुभ संदर्भ यहां पर अंक मिलेगा रेडर सेफ 1.3 15 उत्तर प्रदेश 20 इस समय राजस्थान 5 पॉइंट की लीड यहां पर मुदिराज गारु निजामपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 7 के डिफेंस में रेड पर। बोनस रोहित के लिए अवेलेबल है, टच का अच्छा प्रयास यहां पर, बोनस का प्रयास किया है बाहर जाना होगा यहां पर रविकांत तंडा गारु कॉर्पोरेटर आउट, देखते हैं वीरेश मुदिराज गारु की नहीं मिलेगा यहाँ पर बोनस अंक, टेकल पॉइंट इस समय उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश 20 इस समय राजस्थान मात्र 4 अंकों का फासला, एक बार पुनः इस समय जर्सी नंबर 1 रेड पर, 4 का डिफेंस इस समय कॉर्नर मौजूद है, एक कॉर्नर में इस समय लोकेश कौशलिया उसके साथ दे रहे हैं रवि, दूसरे कॉर्नर में इस समय करण और उसके साथ दे रहे हैं मोनू, यहाँ पर लंबी रीच खोली है, बिल्कुल टच का दावा ठोका है, अंक मिलेगा यहाँ पर टीम उत्तर प्रदेश को,
रेडर्स से वन पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश। तो इस समय स्कोर की बात करें तो 17 इस समय उत्तर प्रदेश, 20 इस समय टीम राजस्थान, 3 पॉइंटों की लीड इस समय राजस्थान के पास। रवि एक बार पुनः इस समय 7 के डिफेंस में रेड पर, रेड नेवर डिविजन कॉर्पोरेटर यहाँ पर दावटों का है, लॉबी का इस्तेमाल बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर राजस्थान को। रेड से वन पॉइंट टीम राजस्थान, एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में, 21 राजस्थान 17 उत्तर प्रदेश, 4 पॉइंटों की लीड इस समय टीम राजस्थान के पास। एक बार फिर से इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ से रेडर 4 के डिफेंस में कॉट पे, यहाँ पर अच्छा प्रयास किया यहाँ पर रेडर ने, लेकिन लोकेश कौशलिया रेडर से भी ज्यादा चालाक है, अपने आप को बचा लेते हैं कैसे न कैसे करके। यहाँ पर सेफ रेड रही और अब रवि एक बार पुनः रेड पर, पिछली बार कवर को लपेटा, अच्छी रेड थी यहाँ पर रवि की, इस बार देखते हैं 6 के डिफेंस में। बोनस इस समय रवि के लिए अवेलेबल है और बिल्कुल कल तमिलनाडु के सामने लाजवाब प्रदर्शन था रवि का, इस समय बोनस का असफल प्रयास। बिल्कुल यहाँ पर कट था, नहीं मिलेगा यहाँ पर। एक बार फिर से इस समय उत्तर प्रदेश का रेडर 4 के डिफेंस में, एक कॉर्नर में इस समय मोनू और साहिल, तो दूसरे छोर पर इस समय लोकेश कौशलिया और उसके साथ रहे हैं रवि। काफी मुश्किल डिफेंस होता है रेडर के लिए, लोकेश कौशलिया इस बार डिफेंस करने के लिए गए, अपने आप को बचाया, एक गेम मिलेगा यहाँ पर। रेडर से वन पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश, एक अंक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में, तो 18 के मुकाबले 21, 3 अंकों का फासला। रवि एक बार पुनः इस समय 7 के डिफेंस में रेड पर, सैयद सलीम भाई निजामपेट मुंसिपल कॉर्पोरेशन को-ऑप्शन मेंबर रवि को मिल जाएगा, अच्छी रेड यहाँ पर भाई, बिल्कुल जैसे ही यहाँ पर डिफेंडर थाई वर्ड पर गए, अपने आप को एक शानदार स्केप के साथ बचाया यहाँ पर रवि ने। एक अंक और राजस्थान के अकाउंट में, 22 राजस्थान 18 उत्तर प्रदेश, 4 पॉइंटों के लिए खुली जो आंख तो आपको गुमदे खिजरा दिखाई दे, आप आपको बहुत बहुत बधाई। कॉर्नर में इस समय मोनू और उसके साथ रवि, दूसरी छोर पर इस समय मंजीत और साहिल, अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड होगी और एक बार फिर से इस समय रवि 6 के डिफेंस में रेड पर। रवि ने बिल्कुल हाफ टाइम के बाद अपनी टीम के लिए काफी अच्छा स्कोर किया है, एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर है। बोनस रवि के लिए अवेलेबल होगा यहाँ पर, बिल्कुल टच पॉइंट मिल जाएगा, बिल्कुल एक ही अंक मिलेगा यहाँ पर। रेडर से वन पॉइंट टीम राजस्थान, बोनस नहीं था भाई। एक बार पुनः इस समय उत्तर प्रदेश का रेडर इस समय 5 का डिफेंस कॉट में मौजूद है, रोहित यादव भी इस समय कॉट इन हो चुके हैं, अच्छी खबर यहाँ पर राजस्थान के लिए। 23 के मुकाबले इस समय स्कोर की बात करें तो 23 BRS डिविजन प्रेसिडेंट यहाँ पर काफी अंदर गए हैं, शानदार डिफेंस यहाँ पर, बिल्कुल मोनू को थोड़ा छका दिया था लेकिन साहिल समय रहते यहाँ पर अच्छा सपोर्ट दिया साहिल ने। एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम राजस्थान के अकाउंट में, 24 राजस्थान 18 इस समय टीम उत्तर प्रदेश, 6 पॉइंटों की लीड इस समय टीम राजस्थान के पास। इस समय बिल्कुल रवि को इस समय ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, रवि एक बार अशोक गारो 4 के डिफेंस में इस समय रवि। ऐसे लो स्कोरिंग मुकाबले में एक एक महत्वपूर्ण होता है और बिल्कुल हाफ टाइम के बाद काफी अच्छा स्कोर किया यहाँ पर, 3 या 4 पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं जो काफी होते हैं। इस समय रवि सेफ रेड के साथ लौटेंगे और बिल्कुल सही निर्णय, यहाँ पर 6 अंकों की लीड है तो यहाँ पर ज्यादा चांस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड रही। एक बार फिर से इस समय वेणु यादव गारु, नंबर 1 रेड पर वेणु यादव गारु, वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल चेयरमैन यहाँ पर अच्छा प्रयास, लेकिन मंजीत ने अपने आप को बचाया, काफी अच्छा कवर खेलते हैं मंजीत इस समय 6 के डिफेंस। बाचुपल्ली सब इंस्पेक्टर शांति भद्रतल परिरक्षण लो एटुवंटि यहां पर मोनू का शानदार एंकर हॉट, लाजवाब एक मोहड यहां पर मोनू द्वारा और उसने शानदार सपोर्ट दिया यहां पर मंजीत ने। रेड आउट 1 पॉइंट रमेश अन्ना गारी की स्वागतम, 25 राजस्थान 18 उत्तर प्रदेश, तो 7 पॉइंटों की लीड इस समय राजस्थान के पास हो चुकी है और इस समय रोहित यादव 3 के डिफेंस में, सुपर टैकल सिचुएशन इस समय ऑन है। यहाँ पर अच्छा प्रयास, बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर,
रोहित ने अपनी स्किल का यहाँ पर इस्तेमाल किया और अंक अपनी टीम के लिए हासिल किया। एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में 26 के मुकाबले 18। इस बार शानदार एंकल हर्ट करने द्वारा रडर आउट, वन पॉइंट टीम राजस्थान। तो यहाँ पर एक और पेनल्टी का इस समय खतरा उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल इस समय रोहित यादव रेड पर, 1+2 3 पॉइंट टीम राजस्थान। तो यहाँ पर अच्छी लीड इस समय राजस्थान के पास हो चुकी है 30 के मुकाबले 18। तो यहाँ पर 12 पॉइंटों की अच्छी लीड, सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट टीम उत्तर प्रदेश, 12 पॉइंटों की अच्छी लीड यहाँ पर राजस्थान के पास इस समय। पेनल्टी के बाद उत्तर प्रदेश का रेडर 12 अंकों की लीड यहाँ पर राजस्थान के पास है और उत्तर प्रदेश का रेडर इस समय 7 के डिफेंस में रेड पर। बिल्कुल आज राजस्थान का डिफेंस काफी लाजवाब खेला है। यहाँ पर अंक मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पर करण को बाहर जाना होगा। शानदार टू टच यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ से, एक अंक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में। तो 19 उत्तर प्रदेश, 30 इस समय राजस्थान, 11 पॉइंटों की लीड और एक बार पुनः इस समय रोहित यादव 7 के डिफेंस में इस समय रेड पर। बोनस इस समय रेडर के लिए अवेलेबल, रोहित यादव पुट्टी राजू मुदिराज गारू रोहित को सेफ रेड के साथ जाना होगा। जिला अध्यक्षलो और बिल्कुल मुदिराज संघव अध्यक्षलो दयचेसि वेदिक पैकि रावाली, समय लेंगे यहाँ पर पूरा। और अब उत्तर प्रदेश का रेडर 6 के डिफेंस में इस समय रेड पर। यहाँ पर बैक किक, बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर रेडर से, 1 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश। एक अंक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में। तो 20 इस समय उत्तर प्रदेश और 30 इस समय टीम राजस्थान, 10 पॉइंटों की लीड यहाँ पर राजस्थान के पास है। और एक बार फिर से इस समय रोहित यादव 7 के डिफेंस में इस समय रेड पर। डिफेंस को जांचा फरका और देखते हैं इस रेड को किस तरह संचालित करते हैं। यहाँ पर काफी अंदर गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर अंक मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर रेडर से 3 अंक मिलेंगे। यहाँ पर पहली सुपर रेड यहाँ पर रोहित यादव द्वारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रेड, अपना संतुलन खोया फिर, लेकिन फिर भी अपने आप को मिड लाइन तक पहुँचाने में सफल रहे। 3 अंक की समय राजस्थान के अकाउंट में, 33 राजस्थान, 20 इस समय टीम उत्तर प्रदेश। तो 13 पॉइंट के लीड यहाँ पर राजस्थान के पास, बिल्कुल अपना शारीरिक संतुलन खोने के बावजूद अपने आप को मिड लाइन तक पहुंचाया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर रोहित यादव का। एक बार पुनः इस समय जर्सी नंबर 5-7 के डिफेंस में इस समय रेड पर। यहाँ पर लोकेश घोसलिया को बाहर जाना होगा, बिना किसी स्ट्रगल के यहाँ पर लोकेश घोसलिया। इस बार करण का शानदार एंकल हॉट और मोनू ने उतना ही शानदार सपोर्ट दिया। यहाँ पर रेडर आउट, 1 पॉइंट राजस्थान और 1 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर लोकेश घोसलिया सेल्फ आउट हो गए थे। एक बार पुनः इस समय रवि 4 के डिफेंस में रेड पर। इक्कीस 34 का स्कोर है, 13 पॉइंटों की यहां पर लीड है टीम राजस्थान के पास, लेकिन यहां पर सेफ रेड के साथ लौटेंगे रवि। बिल्कुल यहां पर सेफ रेड रही राजस्थान की तरफ से। और एक बार पुनः इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ से रेड, जर्सी नंबर 1-6 के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर बहुत ही शानदार जंप, लाजवाब जंप यहाँ पर। एक अंक और यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश के अकाउंट में, 22 उत्तर प्रदेश, 34 राजस्थान, 12 पॉइंट लीड यहाँ पर राजस्थान के पास। एक बार पुनः इस समय रोहित यादव 5 के डिफेंस में इस समय रेड पर। शायद यहाँ पर रोहित यादव शेड रेड पर आप खेलना चाहते हैं। हरियाणा वर्सेस वेस्ट बंगाल गर्ल्स विभाग में लो मैच कंप्लीटेड। ज्यादा ट्राई यहाँ पर लेंगे नहीं, समय बिताना इस समय महत्वपूर्ण। इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ से सेफ रेड रही और अब शाहिद शर्मा डिसाइड रेड होगी राजस्थान की तरफ से। 5 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद, बड़ी जिम्मेदारी मिली इस समय शाहिद शर्मा को।
काफी अंदर गए हैं, अंक मिल जाएगा यहाँ पर। हल्की सी छलांग लगाई डिफेंडर को, यहाँ पर छकाया एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में। 35 राजस्थान 22 इस समय टीम उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर 13 पॉइंटों की लीड वापस इस समय टीम राजस्थान के पास। इस समय 6 के डिफेंस से उत्तर प्रदेश की तरफ से 10 नंबर के रन पर, और यहाँ पर करंट अच्छा प्रयास था लेकिन रनर अपने आप को बचाने में सफल रही। एक अंक और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में। 23 उत्तर प्रदेश 35 इस समय टीम, राजस्थान 12 पॉइंटों के लिए यहाँ पर इस समय राजस्थान के पास। इस समय रोहित यादव 5 का डिफेंस में। एमएलए युवा नायक विवेकानंद गारु अदे विधा एमएलसी शमीपुर राजन्न गारु क्रीडाकारुलकु క్యాష్ అవార్డు అందజేయడానికి మన శాసనసభ్యులు మేడ్చల్ మరి మాజీ మంత్రి వర్యులు చామకూర మల్లారెడ్డి గారి అమృత హస్తాల మీదుగా ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ అంగ్రేజీ వర్ణమాల అనుసార్ సి ఫౌండేషన్ డిఫెన్స్ కోర్ట్ మౌజూద్ మంజిత్ అచ్చా ప్రయాస్ లేకన్ రైడర్ కా జంప్ భీ బహుత్ హీ ఖూబ్సూరత్ ఏక్ అంక్ ఔర్ యహాన్ పర్ ఇస్ సమయ్ టీమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కే అకౌంట్ మే इस समय रोहित शासन मंडली सभ्यु 6 के डिफेंस में शंभीपुर राजुगारु 24 उत्तर प्रदेश 35 इस समय राजस्थान 11 पॉइंट के लिए यहां पर राजस्थान के पास। माजी मुख्यमंत्री केसीआर का अनुचरुडु मरियु मेडचल जिला बीआरएस पार्टी अध्यक्षुनिगा శాసన మండలి సభ్యునిగా తమ అమూల్య సేవలు అందిస్తున్న శంభీపూర్ రాజుగారు క్రీడాకారులకు ఉత్తరప్రదేశ్ రెడ్ అవుట్ వన్ పాయింట్ టీమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఏకంకోర్ యహాన్ పర్ ఉత్తరప్రదేశ్ కే అకౌంట్ మే। तो 25 उत्तर प्रदेश और उसके जवाब में 35 इस समय टीम राजस्थान 10 पॉइंटों के लिए यहाँ पर राजस्थान के पास। एक बार पुनः इस समय उत्तर प्रदेश का राइडर 3 के डिफेंस में इस समय राइड पर अच्छा प्रयास यहाँ पर बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर। लोकेश घोसलिया को यहाँ पर लपेट दिया है एक अंक और यहाँ पर इस समय मिलता हुआ टीम उत्तर प्रदेश को। तो 26 के मुकाबले 35 यहाँ से मात्र 9 अंकों का फासला। एक बार पुनः इस समय रवि 7 के डिफेंस में राइड पर यहाँ पर एक और शानदार अटैक और सफलता मिली इस समय टीम राजस्थान को। रेडर सेफ वन पॉइंट टीम राजस्थान 36 राजस्थान 26 इस समय उत्तर प्रदेश। इस समय कोर्ट में मोनू प्रवेश कर चुके हैं। इस समय थाई हॉट का साहिल ने प्रयास किया अंक मिलता हुआ इस समय टीम उत्तर प्रदेश को। एक अंक और यहां पर उत्तर प्रदेश के अकाउंट में 27 उत्तर प्रदेश 36 इस समय राजस्थान 9 अंकों का फासला। रवि एक बार फिर से इस समय रेडर पर और बिल्कुल रवि ने काफी अच्छा काम किया हाफ टाइम के बाद अपने टीम के लिए। इस समय 7 के डिफेंस में यहां पर सेफ रेड होगी राजस्थान की तरफ से रवि की। बिल्कुल यहां पर सेफ रेड और अब उत्तर प्रदेश का रेडर 2 के डिफेंस में इस समय रेड पर यहाँ पर रवि को बाहर जाना होगा। एक अंक और यहाँ पर मिलता हुआ इस समय यहाँ पर चेंज किया गया है रनर दीपक को यहाँ पर कॉटिन किया है मोनो की जगह। 7 के डिफेंस में इस समय दीपक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है एक प्लेंटी यहाँ पर बचाने की जिम्मेदारी इस समय दीपक के कंधों पर। 7 का डिफेंस इस समय उत्तर प्रदेश का कोर्ट में मौजूद है। 28-36 का स्कोर है 8 अंकों का फासला यहाँ से शेष है। 5 मिनट का समय अभी भी शेष है। इस समय दीपक लगातार प्रयास करते हुए 7 के डिफेंस में यहाँ पर बिल्कुल सफल होंगे। बिल्कुल यहाँ पर अच्छी राइड दीपक की राइडर से वन पॉइंट टीम राजस्थान। बिल्कुल यहाँ पर अच्छा काम किया यहाँ पर दीपक ने इस बार फिर से गलती करण से एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम उत्तर प्रदेश के अकाउंट में। एक बार फिर से इस समय बड़ी जिम्मेदारी इस समय दीपक के कंधों पर। 29-37 का स्कोर बिल्कुल यहाँ पर करण थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे समय 7 के डिफेंस में। यहाँ पर बोनस अंक जरूर मिल जाएगा 10 पॉइंट अर्जित करना होगा यहाँ पर बिल्कुल बाहर जाना होगा इस बार। बोनस अंक यहाँ पर राजस्थान को 3 पॉइंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश को। तो 32 इस समय टीम उत्तर प्रदेश 38 इस समय टीम राजस्थान 6 पॉइंट के लिए यहाँ पर राजस्थान के पास। तो टाइम आउट के बाद मुकाबला पुनः शुरू और इस समय उत्तर प्रदेश का राइडर 7 के डिफेंस में अच्छी वापसी की यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने। संभल कर खेलना होगा यहाँ पर डिफेंस में थोड़ा राजस्थान को यहाँ पर सेफ रेड होगी उत्तर प्रदेश की तरफ से। और अब रोहित यादव 7 के डिफेंस में इस समय राइड पर
पहला रेड है यहाँ पर रोहित यादव है, वो यहाँ पर समय लेंगे क्योंकि 6 पॉइंटों की अच्छी लीड है यहाँ पर राजस्थान के पास अभी भी। 4 मिनट से कम समय यहाँ से शेष बचा है और बिल्कुल यहाँ से अगर 4 या 5 सेपरेट पड़ती है राजस्थान की तरफ से तो एक मानसिक दबाव भी होगा इस समय उत्तर प्रदेश पर। बिल्कुल यहाँ पर पूरा समय लिया और सेपरेट के साथ चले इस समय जर्सी नंबर 5-7 के डिफेंस में उत्तर प्रदेश की तरफ से रेड पर बोनस राइडर के लिए अवेलेबल यहाँ पर है। बिल्कुल अंक मिलेगा शानदार बैक की एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम उत्तर प्रदेश के अकाउंट में 33 उत्तर प्रदेश 38 इस समय टीम राजस्थान 5 पॉइंट की लीड इस समय। एक बार फिर से मैं साहिल 7 के डिफेंस में इस समय रेड पर ओकलैंड को पार किया रेड वेलिड की और देखते हैं सेकेंड रेड है। हम अभिनंदन करते हैं तेजस्विनी गहलोत जी का आज के शुभ अवसर पर। यहाँ पर शायद साहिल बिल्कुल सफल होंगे एक और अंक यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में। बिल्कुल यहाँ पर डिफेंडर को थोड़ा ललचाया बहुत अभिनंदन है और एक शानदार स्किप के साथ अपने कोर्ट में लौटे एक अंक और यहाँ पर राजस्थान के अकाउंट में 39 राजस्थान 33 इस समय टीम उत्तर प्रदेश 6 पॉइंटों की लीड इस समय उत्तर प्रदेश का राइडर प्रयास करता हुआ 7 के डिफेंस में इस समय। यहाँ पर अच्छा डिफेंस है लोकेश कौशलिया का शानदार टेकल यहाँ पर रेड आउट 1 पॉइंट राजस्थान 40 राजस्थान 33 इस समय टीम उत्तर प्रदेश 7 पॉइंटों की लीड है यहाँ पर राजस्थान के पास और अब रोहित यादव 5 के डिफेंस बहुत बहुत मुबारक हो बधाई हो। बिल्कुल यहाँ पर रोहित यादव वोकलाइन को पार किया रेड बेलिट की और समय लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही रणनीति है वहां पर रोहित यादव की 30 सेकंड जैसे ही गुजरेंगे तो एक मानसिक दबाव यहाँ पर झेलने को पड़ेगा टीम उत्तर प्रदेश को। एक मिनट का समय यहां से समाप्त और 7 अंकों का फासला और अब उत्तर प्रदेश का राइडर 7 के बीच में समय राइडर पर यहां से 2 या 3 रेड ज्यादा से ज्यादा और हो सकती हैं। इस समय 7 का डिफेंस में उत्तर प्रदेश का रेडर। बिल्कुल यहां पर मनजीत ने अपना अंक दिया है और सही निर्णय यहां पर एक अंक से कोई वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक बार पुनः इस समय साहिल शर्मा 7 के डिफेंस में 34 के मुकाबले 40 इस समय वोकलाइन को पार किया रेड वेलिड की और समय लेंगे अब साहिल शर्मा। इसके बाद उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा एक रेड और मिल सकती है। बाय सेक्शन का जहां पर मैच समाप्त हुआ है वहां पर लाइनअप करा दीजिएगा क्या शवार देना है और शायद समय पूरा हो चुका है। बिल्कुल यहां पर पूरा समय लिया सेफ रेड के साथ लौटे और यहां पर यह मुकाबला जीता है 6 पॉइंटों से टीम राजस्थान ने। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला रहा और अंत में जीत हासिल की यहां पर 6 पॉइंट से टीम राजस्थान ने। पूरे मुकाबले में अच्छी लीड बनाई रखी टीम राजस्थान ने हालांकि सेकंड हाफ में थोड़ा सा चूक के लेकिन फिर उसके बाद भी अच्छा प्रदर्शन यहां पर राजस्थान का।